हेलो गायज वेलकम बैक इन माय चैनल आज हम बनाने वाले हैं गोवर्धन महाराज वो भी गोबर से देखिए मैं गोबर के जहाँ पर हमें गोवर्धन बनाने होते हैं वहाँ सबसे पहले चौक बनाना होता है तो मैं अभी चौक बना रही हूँ फिर मैं गोबर से गोवर्धन महाराज बनाऊँगी और ये गाय का गोबर है जो कि हमारे आस पास गाँव हैं मुबारकपुर गाँव ऐसे तो वहाँ गोबर मिल जाता है आसानी से तो हम गोबर लेके आए हैं और हम इसे गोबर से बनाएंगे लेकिन जिन जगह पर गोबर मिलता नहीं है तो वो लोग गोवर्धन को आटे से भी बना सकते हैं आटा गून कर उसको गोबर की तरीके से यूज कर सकते हो आप और गोवर्धन महाराज का बड़ा महत्व है क्योंकि जैसा कि आपको जानते हो कि गोवर्धन महाराज को शरण में पूरा गोकुल और कितने सारे गाँवों को उन्होंने शरण दी थी गोवर्धन को जब इंद्र भगवान की पूजा छोड़कर करके श्री कृष्ण ने गोवर्धन भगवान की पूजा करवाई थी तो इंद्र इंद्र भगवान को गुस्सा आ गया था और उन्होंने बहुत बारिश की थी बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी तो सारे लोग फिर कृष्णा जी के पास पहुंचे थे कह रहे थे कि आपने इंद्र भगवान की पूजा छुड़वा कर गोवर्धन भगवान की पूजा करवाई बताओ अब हम कहाँ जाएं देखो इंद्र भगवान गुस्सा हो गए तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि अरे नहीं भाई इंद्र भगवान का काम है पानी बरसाना वो तो बरसाएंगे उनकी पूजा तो वैसे भी ज़रूरी नहीं है चलिए अब हमने जिसकी पूजा करी है उसी की शरण लेते हैं तो वो सारे गांव गाय बैल सारे गोकुलवासियों और भी गाँव आस आसपास के जितने भी गांव थे तो उन सबको लेकर के वो गोवर्धन की शरण में गए और उन्होंने अपनी प्रति सबसे छोटी वाली उंगली जो होती है उससे गोवर्धन पर्वत को उठाया था और उसके नीचे पूरे के पूरे गाँव गए थे और जब तक भारी बारिश होती रही थी तब तक वो लोग उसी के नीचे रहे थे कहते हैं पूरा गांव उसके नीचे पे आया था वहाँ पर स्त्रियाँ भोजन बना रही थी जिस जो अपने घर से जो बचा कर लाया था जिस तरह का भोजन उसके पास था जो भी उसके पास था उसको सबको मिक्स करके खिचड़ी बनाई गई थी जिसको अन्नकूट का नाम दिया गया था उसमें वेजिटेबल्स थे बाजरा था ज्वार था जो 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 जो, जो लेके आया था अपनी सेफ्टी के बचा करके उसी को सबको मिक्स करके पकाया गया था और बनाया गया था इससे क्या हुआ कि इसी क्या हुआ कि सबको भोजन भी मिल गया था तो अभी ये जो बन रहा है गोवर्धन देखो ये मैंने उसका मुंह बनाया है और ये मैंने इसका बॉर्डर बना दिया अब इसके अंदर मैं पूरा गांव के तरीके से बसाऊंगी यहाँ पर मैंने ये ये मैंने सबसे पहले तो उनकी आकृति बना रहे हैं शरीर की तो ये दोनों ऐसे बोले बनाए गए अब हम उनकी तूड़ी बनाएंगे और तूड़ी बनाने के बाद मैं इनके पैर बनाऊँगी ये थोड़ा सा गोल बनाया था क्योंकि जो लास्ट में शीखें लगाई जाती है ना तो थोड़ी सी वो होती है अब मैं इनके पैर बना रही हूँ और ये मैंने पूरा दिशा में बनाया हुआ है इनका जो पैर है वो पूरा दिशा में है और अब मैं इसको बना रही हूँ देखो और ये मैं बॉर्डर बना रही हूँ गाँव का और ये देखो और ये गाय हैं गौशाला है क्योंकि वहाँ पर गाय भी थी तो गाय तो ये छोटी छोटी गाय हैं ये गाय के बर्तन हैं जिसमें गाय खाना खाएगी ये गौशाला है इसमें गाय खड़ी कर दी मैंने और दूसरी तरफ आदमी बनाऊंगी मैं और दूसरी तरफ इसमें मैं आदमी बनाऊंगी और देखिए ये यहाँ पर आदमी लोग बैठ, बैठेंगे और दूसरी तरफ महिलाएं बनाऊंगी जो भोजन कर रहे होंगी यहाँ पे आदमी खड़े करेंगे पोषण से बना देते हैं ठीक है भगवान जी के कई सारे पोषण बनाते हैं अगर आप वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक भी कर दिया करो इतनी मेहनत से बनाते हैं ये देखिए ये आदमी खड़े हुए हैं आपस में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं और ये तो है, फॉर्मलिटीज नहीं करनी होती ये बनाना ही होता है ये दिवाली के अगले दिन बनता ही है और हर हिंदू धर्म जो मानते हैं भगवान कृष्ण को वो ज़रूर बनाते हैं इसे और इससे पहले मैंने वीडियो भी डाला था कि अन्नकूट भी बनता है ये महिलाएं बन रही हैं और महिलाएं क्या है खिचड़ी बनाएंगी बड़े बड़े पतीलों में तो ये महिलाएं खड़ी कर दी और अब ये बड़े बड़े पतीले रख दिए जाएंगे इनके साथ और वो खिचड़ी बनाएंगी ये देखिए और ये इनके पतीले रख दिए गए हैं ये खिचड़ी बन रही है और ये खिचड़ी के लिए बड़े बड़े पतीले महिलाओं के रख दिए क्योंकि वो एक ही जगह बन रहा था खाना सबके लिए तो सारी महिलाएं एक साथ बना रही थी और अब हम दूसरा कॉर्नर बनाएंगे दूसरे कॉर्नर में हम बच्चे भी थे तो अब हम बच्चे के लिए कुछ करेंगे जैसे पतीले बन गए अब महिलाएं का अब दूसरी तरफ इधर की तरफ ये बच्चे हैं ये प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं मतलब वहीं भगवान जी बच्चे कहाँ जाएंगे वो वहीं खेलेंगे तो बच्चे एक तरफ बच्चे खेल रहे हैं एक तरफ आदमी लोग बैठे हुए हैं दूसरी तरफ खाना बन रहा है ये गाय बंधी हुई हैं गौशाला है मतलब एक तरीके से पूरा गांव बच जाता है गोवर्धन पर्वत के पर... नीचे अब मैंने उनका मुकुट बना दिया और इनके चारों तरफ ये छोटे 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 गोले से रखे हैं इन पर दिए लगाऊंगी और गोवर्धन महाराज के फेस्ट का कट को डिजाइन दिया, दिया है मैंने ये देखिए उनका मुकुट लगा दिया और अब मैं इनके ऊपर खीर से इनका मुंह बनाऊंगी तो पहले हाथ धो लेते हैं फिर उनको ये जो छोटे छोटे गोले बनाए हैं ना इन पर दिए लगेंगे ये दिए लगाने के लिए बनाए हैं ताकि रात को जब हम की पूजा करें तो ये बहुत सुंदर लगते हैं ठीक है तो अब अब देखो मैं इनके ऊपर दिए फूल लगा दिए फूल लगा दिए और ये मैंने खील है जो खाने वाली जिस खील बता थी पूजा होती है ना वो खील से आइज बनाई है थोड़ी सी नाक को उब, ऐसे उबर के बना दिया है नाक में छेद कर दिए और ये इनकी स्माइल स्माइल ठीक है ये आपके गोवर्धन पर्वत के पूरे हो गए और ये देखिए आप मुकुट को भी डेकोरेट कर सकते हो मुकुट भी बहुत सुंदर इनका डेकोरेट हो सकता है और ये हमारे गोवर्धन तैयार अब हम क्या करेंगे इनके ऊपर कॉटन लगाएंगे क्योंकि बारिश हो रही थी तो बहुत ज़्यादा ठंड थी तो ऐसा माना जाता है कि रजाई गद्दे उड़ा रहे हैं इनको ठंड से बचने के लिए तो ये इस तरीके से कॉटन लगा दी सब जगह लगाएंगे गालों पे बच्चों पे गाय पे आदमियों पे गोवर्धन भगवान पर और इसके बाद हम करेंगे गुलाल से आसपास डेकोरेशन ये अब सिर्फ ऐसा है ना कि सुंदर पूजा के जैसे हम रंगोली बनाते हैं दिवाली पे तो थोड़ा गोवर्धन भगवान को भी डेकोरेट वग़ैरह करना चाहिए अच्छा लगता है तो ये मैं गुलाल हैं होली वाले रंग क्योंकि तो दिवाली वाले रंग से तो रंगोली बन गई थी तो अब ये हम गुलाल से होली वाले रंगों से इनकी रंगोली बना रही हैं छन्नी से ले ली है मैंने इनके आसपास पिंक कलर से मैंने ये बॉर्डर सा बना रही हूँ और ये जब ये बॉर्डर पूरा हो जाएगा तो फिर मैं इसके आसपास दूसरे कलर से इसका वो बनाऊँगी बेस बनाऊँगी देखिए कितना सुंदर लग रहा है और अब मैं दूसरा कलर ले लिया और मैंने लिया है ग्रीन कलर और देखो मैं अब इसके आसपास ग्रीन कलर का बॉर्डर बनाऊंगी अच्छा लग रहा है ना और फिर आप इसमें इसमें और अपने हिसाब से बना सकते हो बहुत सुंदर डिज़ाइन डालते हैं आजकल तो गोवर्धन भगवान पे अगर आपके पास सिल्वर फॉइल गोल्ड फॉइल हो अरे वो जो बर्फ़ी पे लगाते हैं सिल्वर वो हो तो आप उसके ऊपर सिल्वर की पन्नी भी लगा सकते हो मुकुट के ऊपर सजाने के लिए मुकुट गोल्ड का सिल्वर का चमकने लगेगा लगाते हैं लोग अब क्योंकि मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं लगाया अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हो और इसके बीच में भी ग्रीन ग्रीन कर दूँगी ग्रीन टी पिंक पिंक कर दिया ताकि थोड़ा सा सुंदर लगे डेकोरेट कर दिया और अब मैं ये आटे से डिजाइन बना रही हूँ बॉर्डर इसका कि जब शाम को पूजा करते हैं तो जैसे दिवाली की डेकोरेशन होती है वैसे इसकी भी डेकोरेशन करनी अच्छी लगती है तो मैं ये डेकोरेशन कर रही हूँ और सुंदर सा बना रही हूँ और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए चैनल को अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चाहे मत करो सब सब्सक्राइब करने के लिए बार बार बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है सब्सक्राइब अपनी इच्छा से करते हैं लोग किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो यह है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और आपका कोई लॉस थोड़ना होता है सब्सक्राइब करने में तो मैं तो कहता हूँ जिसकी भी वीडियो पे जाओ उसको सब्सक्राइब करो ताकि हर इंसान तरक्की करे सबकी तरक्की हो सबकी एक साथ तो सबकी वीडियो को सब्सक्राइब करने में कोई लॉस नहीं है आपको अपनी जेब से तो को देना नहीं होता अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो उसको भी प्रॉफिट होगा और आप अगर चैनल चलाते हो तो आपके भी वीडियो लोगों को सब्सक्राइब करना शुरू कर देंगे तो जो भी जो वीडियो देख रहे हो सबके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है ये हमारी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई और बोलो जय गोवर्धन महाराज की जय और हम पूजा की वीडियो इसमें इंक्लूड करेंगे कि कैसे गोवर्धन महाराज की रात के समय दी वगैरह जला करके पूजा की जाती है तो चलिए अब इस रात का होने का वेट करते हैं तो ये हमारे गोवर्धन महाराज हैं वीडियो पसंद आए आपको तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना कि देखिए कितने सुंदर बने हैं अलग अलग एंगल से मैं आपको दिखा रही हूँ और अब क्योंकि तो अभी रात नहीं हुई है ये वीडियो हमने दोपहर की बनाई है और दोपहर में ज़्यादातर उनको गोवर्धन महाराज है वो ही रख जाते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी चलिए अब हम चलते हैं रात में की तरफ जाते हैं अंधेरा होने का वेट करते हैं और ये देखिए रात में पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है ये दिए जला रहे हैं मम्मी हमारी दिए जला रही हैं और ये मोमबत्ते लगा जा रही है सब जगह रोशनी कर दी है और ये चीज़ें लगा दी गई हैं जिनको पता होगा जिनके यहाँ लगती हैं उसके ऊपर कॉटन लगा दिया गया है एक तरीके से स्वच्छा प्रदान कर गया तो चल जय हो गोवर्धन महाराज की ये जो खुशी पर लगा दी गई है और ये मेरे बच्चे कितना खुश हो रहा है और पूजा की तैयारी हो गई है चलिए चलिए गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं आप परिक्रमा करेंगे आप लोग हम लोग तो परिक्रमा की वीडियो रही जाएगी तो ये मेरा कैमरा कहाँ जा रहा है किधर जा रहा है पता ही नहीं चल रहा ओके ये छतिया बन रहा है और मेरे दोनों बच्चे हाई बोल रहे हैं हाय हाई, हाई बेटा दोनों तो की तरफ से हाई मैं कह देती हूँ क्योंकि आवाज़ मैंने वीडियो में बाद में डाली है और जो उसमें की आवाज़ थी वो मैंने हटा दी है इधर उधर की भी आवाज़ आ रही थी और ये देखिए अब हम परिक्रमा करने जा रहे हैं तो तो परिक्रमा की तो वीडियो मुश्किल है बन पाएगी गिरी